ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन जहां आज हम करने जा रहे हैं एस टी नंबर थर्टी सिक्स का डिस्कशन तो जिन लोगों ने भी ये एस टी ऑलरेडी दे दी है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अच्छे से जो उन्होंने एनालिसिस किया है कुछ चीजें होंगी जो आ गई होंगी कुछ चीजें हो सकती है ना आई हो तो वो डिस्कशन करने के लिए हम आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो फटाफट -फड़ से सेशन को शेयर कर दीजिए एज एज मच यू कैन ताकि हम इसी का रिविजन प्रॉपरली कर पाए यानी कि डिस्कशन कर पाए कि क्या एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रिलेटेड है फिलर से यानी कि फिल इन दी ब्लैंक से यू हैव टू चूज दी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन तो पहलाटेंस है इंपैक्ट ऑफ ओबिसिटी ओबिसिटी इज रिलेटेड टू द वर्ड ओबीज ओबीज मतलब क्या होता है जो ओवर वेट से रिलेटेड होता है यानी कि फैट से रिलेटेड होता है कोई चीज तो यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट है ओबेसिटी का दैट कैन नॉट बी ओवरलोड उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बिकॉज ओबीस पीपल जो फैटी पीपल होते हैं विद देयर हेल्थ हेल्थ एंड दैट इज लीडिंग टू वेरियस इश्यूज जैसे कि डायबिटीज हार्ट एलमेंट कैंसरस डिसीजेस या आर टाइड इस तरीके की बीमारियां हो जाती है जब हम ओवर वेट हो जाते हैं तो क्या अप्रोप्रिएट होगा ओबीस पीपल कैसे होते हैं आर इमेनेटिंग ट की बात करें इमेनेट मतलब होता है कोई चीज एमर्ज मतलब बढ़ती है या इमर्ज होती है कॉम्प्रोमाइज मतलब दैट इज दैट इज कम टू टर्म्स मतलब आप कितनी चीजों से जब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी हेल्थ से तो आपको प्रॉब्लम होती है तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट हो रहा है क्योंकि डिस्प्यूटिंग का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है ना कि लड़ाई झगड़ा जहां पर हो जाए डिस अग्री मतलब यानी कि डिसेंट यानी कि जब आप किसी से कुछ चीजों में अग्री नहीं करते हैं इन्वॉल्व मतलब किसी चीज में आप इन्वॉल्व है तो ओबीज पीपुल क्या है दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर हेल्थ वो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं दैट इज वाई वो उसकी वजह से उनके हेल्थ हो जाते हैं चाहे वो डायबिटीज हो हार्ट एलिमेंट हो तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज क्लियर सबसे था चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पढ़ते हैं वी एज ह्यूमन बींग्स ऑफन एज्यूम दैट एज मैक्सिम पोर्शन ऑफ दी अर्थ इज कवर्ड विद वॉटर क्योंकि पृथ्वी का मैक्सिमम कहते हैं ना 75% फाइव परसेंट इज वॉटर राइट right? पानी से है तो पॉलिटेंट्स फ्रॉम दी लैंड एंड एटमोसफेयर विच विल ईजिली गेट एंड विल अल्टीमेटली डिसअपयर इन दी वॉटर जो पॉलिटेंट्स होते हैं हमारे एटमोसफेयर में हमारी लैंड में वो इजिली क्या हो जाते हैं उसमें मिल जाते तो हमें हैं तो हमारा आ यहाँ पे विल गेट मिक्स मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थिन थे इंटेंसिफाइड या कोगुलेटेड अगर हम देखें तो स्टिफन का मतलब क्या होता है कोई चीज जो रिजिड हो जाती है थिंग्स विच बिकम रिजिड है ना बिकम रिजिड स्टिफन का मतलब क्या होता है एकदम पतला दुबला जैसे होता है उसको हम बोलते हैं डायल्यूटेड मतलब मिक्स हो जाना डायलूटेड मतलब मेक वीकर इन वैल्यू जब कोई चीज मिक्स हो जाती है तो पानी की वैल्यू ही कम हो जाती है क्योंकि इतने ज्यादा पॉलिटेंस होते हैं तो आप इसको डायल्यूट कह सकते हैं मिक्स इन सोल्यूबल कह सकते हैं या मेक वीकर इन वैल्यू ठीक है इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं एंड इंटेंसिफाइड मतलब किसी चीज को और ज्यादा बढ़ाना इंटेंसिफाई करना मेक मोर इंटेंस समथिंग वेन यू मेक इट मोर इंटेंस राइट और कॉग्युलेटेड यहां पे एक जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज चेंज टू अ सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट है ना जो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में चेंज इन सेमी सॉलिड और

एबेंडेंस पॉवर्टी या प्रोफ्यूजन है ना तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है सौ पैंसठ में सिटी एक रियल स्कूल बनाया विद गुड बिल्डिंग्स जो अठारह सो पैंसठ में फाउंड किया गया था और कितने लोगों के कितने बच्चों द्वारा ज्वाइन किया गया था थ्री हंड्रेड पीपल्स तो ये जो प्रिवेलिंग क्या है प्रोफ्लिगेसी की बात कर रहे हैं इमोरलिटी की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम प्रोफ्लिगेसी की बात करें तो प्रोफिगेसी का मतलब क्या होता है एक कोई चीज जो आप एक्स्ट्रा वेजेंटली आप स्पेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं यानी कि काइंड ऑफ अ ट्रेट ऑफ स्पेंडिंग है ना किसी चीज को स्पेंड करने का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेगेंटली ठीक अगर हम इमोरलिटी इमोरल वर्ड तो सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे कई स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं जो अपना नाम लिखते हैं इमोटल लेकिन इमोरल मॉरलिटी क्या होता है दैट इज एविल स्पिरिट्स एबेंडेंस मतलब प्लेंटी ऑफ समथिंग कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्लेंटी है पॉवर्टी यानी कि गरीबी से रिलेटेड है एक्सट्रीमली पुअर जिसे हम बोलते हैं ठीक है और हम word अगर हम ये वर्ड देखें प्रोफ्यूजन अगर हम प्रोफ्यूजन की बात करें तो द जो बहुत ज्यादा मात्रा में कोई प्रॉपर्टी आपकी होती है उसके लिए हम बोलते हैं यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ बींग एक्सट्रीमली एबंडेंट तो एक्सट्रीम एबेंडेंट की हम बात यहां पे एक्सट्रीमली हम इसको कह सकते हैं यस और नो तो यहां पे क्या है इतनी ज्यादा गरीबी होने के बावजूद भी सिटी हैज अ रियल स्कूल विद गुड बिल्डिंग करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका पॉवर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर वुड बी डी करेक्ट आंसर क्लियर एवरीबॉडी बहुत इजी था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एज फॉर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी की जब हम कभी भी बात करते हैं

ये तीन वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनका मतलब होता है के या कोई भी चीज जो डिसऑर्डर वे में होती है के या फिर डिसऑर्डर वे में होती है एनआरकी तो चलती है किसी रूल को फॉलो नहीं करती है तो यहाँ पे एक चेंज की बात करी है जो ओल्ड रिजाइम से क्या थी वॉज ओनली सुपरफिशियल तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिजाइम ही सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो यहाँ फिल हो सकता है स ऑन नो चलो नेक्स्ट द अदर ऑन विच वी कैन लर्न फ्रॉम वॉट हैपन विद विद अदर टेक्नोलॉजीज मतलब एक अदर क्या हो सकता है कि क्या हुआ है अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ इज अबाउट दे आर पॉसिबली कॉन्फ्लिकचुअल एम्बेडिंग इन सोसाइटी है ना कॉन्फ्लिकचुअल एम्बेडिंग इन सोसाइटी यहाँ पे क्या हो सकता है डायमेंशन डायमेंशन जिससे देखते हैं जैसे कि किसी बिल्डिंग के डायमेंशन लिए जाते हैं लेंथ ली जाती है एक फीचर होता है ऑफ सिचुएशन रिग्रेट मतलब जब किसी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा यू आर या कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं हमें रिग्रेट हो रहा है है उसका वी आर गिल्टी ठीक और लेमेंट्स क्या होता है अगर हम लेमेंट की बात करें दैट इज अ क्राई ऑफ सोरो है ना दुख में आप जब रोते हैं तो उसे हम बोलते हैं uh, लेमेंट्स अगर हम इलेशन की बात करें दैट इज अ फीलिंग ऑफ जॉय हैप्पीनेस है ना ये एकदम अपोजिट वर्ड जा रहे हैं देखो फीलिंग ऑफ जॉय है मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं डायमेंशन सिचुएशन की बात करता है एक फ्यूचर होता है तो यहाँ पे द अदर के लिए क्या बात कर रहे हैं जिस पे हम क्या सीख सकते हैं वी कैन लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड हम उनसे सीखते हैं जो अदर टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ है तो रिग्रेट्स लेमिट्स और रिलेशन तो कोई बात ही नहीं होगी इसमें तो एलिमिनेट हो जाएंगे अल्टरेशन यानी कि चेंजेस की बात करता है है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब चेंज हो जाता है मोल्ड हो जाता है तो ये भी िएट नहीं है तो अगर हम अप्रोप्रिएट वर्ड देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर वन वु करेक्ट टू बी फिटेड राइट तो फिल इन फिल्म ब्लैंक्स काफी इजी थे इसी तरीके से अगर आप रिलेट करते रहो आपको मीनिंग अच्छे से आपने यूटिलाइज कर लिया तो यहां पे सारा खेल मीनिंग का ही होता है यस नाउ मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप यहाँ पे थर्टी वन से थर्टी फाइव देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में क्योंकि वंस यू हैव ऑल दी सेंटेंसेस पांच क्वेश्चन जो उससे पूछे जाते हैं वो इजिली आप आंसर कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इन्हीं सेंटेंसेस को क्या करना है प्रॉपरली अरेंज करना है इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ अगर देखा जाए तो लिखा है कि वाइल द फर्स्ट सेंटेंस ए इज ऑलरेडी करेक्टली प्लेस मतलब फर्स्ट इज फिक्स्ड फाइव सिक्स सिक्स सेंटेंसेज में आपके फर्स्ट फिक्स है बाकी के फाइव आपको अरेंज करने हैं तो यानी ये ए वाला तो अपनी जगह पे पेड़ है यानी ये वन तो हमारा ए ही होगा चलो भाई बाकी पांच को अरेंज करते हैं पहले पढ़ लो डिजास्टर इज अडन कैलॉमिटी इवेंट दैट सीरियसली डिजास्टर मतलब जो आपदा होती है कैलेमिटी होती है नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है, उनको relate, relate हैं उनको रिलेट उनसे रिलेट करके बात कर रहे हैं

डिस्टर्ब करते हैं जबकि यहां पे देखा जाए अ डिजास्टर एक ऐसा सडन और कैलमिटियस इवेंट है जो सीरियसली डिस्टर्ब कर देता है किस चीज को कम्युनिटी या सोसाइटी की फंक्शनिंग को का मतलब ऐसा डिवास्टेटिंग ये चीज होती है नेचुरल कैलॉमिटी जिसके लिए वो सभी चीजें क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है तो अगर एफ देखोगे तो आपका हो जाएगा सेकेंड जो कि इससे कनेक्ट कर रहा है उसके बाद अगर आप देखोगे तो एंड लगा हुआ है अब आप पे डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज अपनी रिसोर्सेज का यूज तो करता नहीं है ना एक्सीड करेगा तो यहाँ पे एंड एंड देखेंगे and causes, और क्या उसका रीजन है किस लिए इससे क्या क्या होता है ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है मटेरियल को नुकसान पहुंचाता है और एनवायरमेंटल लॉसेस भी होते हैं तो डी इसके बाद क्या हो गया थर्ड हो गया अब इसी से रिलेटेड देखो आगे लिखा हुआ है लॉसेस जिसकी वजह से क्या होता है दैट दी कम्युनिटीज और सोसाइटीज एबिलिटी कम्युनिटी और सोसाइटी की एबिलिटी को कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्सीड कर देता है कि वो उससे अपनी रिसोर्सेस को यूज या ना कर पाए ठीक है ऑब्वियसली यार देखो कैलेमिटी एक ऐसी चीज है ना न, कहते है ना नेचुरल आपदा जो होती है वो इतनी ज्यादा डिवर्सिटिंग होती है कि आपका लाइवलीहुड उसके बाद का जो जीवन है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है तो यहां पे देखेंगे ये आपका हो जाएगा फोर्थ अब ये फोर्थ आ गया कोप विद विद यूजिंग इट्स रिसोर्सेज या विद नेचर तो देखोगे विद यूजिंग तो नहीं आएगा साथ में विद के बाद हमें चाहिए एक नाउन तो नाउन चाहिए तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप बी ही करोगे जबकि अगर देखा जाए यूजिंग यानी आई एनजी फॉर्म भी एक तरीके से जेर कैन एक्ट एज नाउन ऑल्सो तो यहां पे अगर आप देखोगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आपका पहले आएगा विद यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज क्योंकि यहाँ पे बाय के बाद आप इसको रिलेट करोगे अगर आप इसको पहले कर देते तो पे बाय से सेंटेंस रुक जाता तो ये भी एक पहचानने वाली बात है तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा ई और लास्ट में हमारा हो जाएगा डिजास्टर्स कैन हैव ह्यूमन ओरिजिन एज़ वेल राइट तो अब हम इसको अरेंज करके अगर लिखे तो हमारा सेंटेंस आएगा ए फिक्स है सेकंड हमारा हो गया एफ थर्ड हमारा हो गया डी फोर्थ हमारा हो गया सी फिफ्थ हमारा हो गया ई e, और लास्ट हमारा हो गया बी तो ए एफ डी सी ई बी इसका करेक्ट अरेंजमेंट है कितना मिनट लगा 1 मिनट लगा कि नहीं लगा अच्छे से अरेंज हो गया कि नहीं हो गया कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं आई तो ऐसे ही मिनटों में आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं लेकिन अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप काफी इजिली सॉल्व कर लेते हैं जैसे अभी हमने रीड किया आप लोगों ने बहुत जल्दी इसका अरेंजमेंट कर भी लिया होगा आई नो तो अब यहाँ पे बताना है आपको फोर्थ सेंटेंस फोर्थ यहाँ पे क्या है सी तो मार्क कर देंगे आंसर ऑप्शन नंबर टू फिर यहां पे हम लिख लेंगे ए एफ डी सीई बी अब हमारे हमें बताना है सेकंड सेकंड क्या है एफ तो आंसर हमारा हो जाएगा एफ फिर हमें यहाँ पे फिर हम लिख लेते एक बार ए एफ डी सी बी आप जब एग्जाम दोगे तो वहां पे तो एक ही बार अरेंजमेंट लिखोगे और क्वेश्चन में मार्क करते जाओगे मैं यहां समझा रही हूं इसलिए बार बार लिख रही हूं फिफ्थ यहाँ पे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव ई e है तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर वन देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में क्या पूछा है थर्ड तो ये थर्ड हम यहीं तक लिखते हैं ए एफ डी फिर सी है तब ई बी है तो थर्ड हमारा क्या है डी तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू और लास्ट क्वेश्चन इसका है यानी लास्ट सेंटेंस तो हमें पता ही था कि बी है तो सीधा सीधा हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका लास्ट सेंटेंस था इजी था अरेंजमेंट नो इजी था कि नहीं था इजीली हो गया थर्टी फाइव क्वेश्चन तक समझ में आ गया अब बहुत अच्छी बात आई है आपके पैसेज से रिलेटेड हालांकि आप लोगों ने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा आपको ये अच्छे से पैसेज पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर आपको करना है अब आपको ये देखना है तो या, कि यहां पे पैसेज किस चीज से रिलेटेड है लिखा है ऑफ इन नेचर जैसे जानते हो ना अगर हम बोले वोलाटाइल तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी आपने यूज करी होगी किसमें वोलाटाइल मेमोरी होती थी आपके कंप्यूटर के उसमें ठीक है तो खास करके नॉर्मल टेम्परेचर के लिए भी हम इसको वोलाटाइल कह सकते हैं वोलाटाइल किसी भी चीज में हो सकता है इसका मतलब बेसिकली क्योंकि होता है लाइबल टू चेंज इन नेचर मतलब कोई चीज जो बदलती रहे तो जो वोलेटिलिटी है ऑफ़ इन इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इट है ना अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके दो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे लैंग्वेज और डेमिनियर तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन पर्सन से रिलेटेड होता है जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल और रिलैक्स के सेंस में आता है रिलैक्स पीसफुल काम है ना तो इनके सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं और अगर हम इसी के साथ बोले डेमिनियर है ना तो डेमिनर अगर हम बोले तो डेमिनर क्या होता है अगर हम डेमिनर की बात करते हैं तो डेमिनर का मतलब होता है एक आउटवर्ड बिहेवियर होता है और बियरिंग किसी चीज की है ना किससे रिलेटेड होता है आउटवर्ड बाहरी दिखावा जो बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड है अब इसको पढ़ो जो गवर्नमेंट है वो भी एज्यूम करती है एक रिलैक्स बिहेवियर में चल रही है दैट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दी वर्बोज वर्बोज मतलब जो बहुत ज्यादा वर्ड्स मतलब नीडेड नहीं होते उतने ज्यादा वर्ड्स में बात करना ठीक है प्रॉमिसेज ऑफ इंप्रूविंग दी फार्मर्स लॉट सो इन पास्ट फ्यू वीक्स अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें जो स्काई रॉकेटिंग मतलब इतना ज्यादा हाई प्राइस स्काई रॉकेटिंग मतलब बहुत हाई वेजिटेबल प्राइसेस जा रहे हैं अक्रॉस कंट्री स्पेशली डाइट ऑफ अनियंस खास करके प्याज के प्याज के प्राइस अभी इस बीच अगर आप देखो तो टोमेटो तो के प्राइस एकदम स्काई रॉकेटिंग थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक फ्लरी क्रिएट कर दिया है फ्लरी फ्लरी ऑफ समथिंग अगर हम बोले तो व्हाट इज दिस फ्लरी फ्लरी का मतलब क्या होता है एक स्मॉल स्वर्लिंग मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जब होती है वो क्रिएट कर दिया है पॉलिसी सर्किटिंग में बट दिस हाइपर एक्टिविटी हैज नॉट ट्रांसेंडेड कॉन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज जो कॉन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज है उनको ट्रांसलेट नहीं किया है ऑफ इम्पोजिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लेकिन इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आपको ट्रांसिट करना था वो चीज नहीं करी ऑन दी एक्सपोर्टर्स और स्टॉकिंग लिमिट ऑन दी डोमेस्टिक ट्रेडर्स गवर्मेंट डूंग इन टू थाउजेंड एटी सेवन टू डाउस अब एक देखो होता है स्लीपी ड्राउज, तो मतलब और अगर हम यहाँ पे डाउज की मीनिंग बात करते हैं तो डाउज मतलब होता है वेन यू ड्रेंच समथिंग यानी कि सम काइंड ऑफ आप एक तरीके से लिक्विड की तरफ पोर नहीं करते हैं उसमें यूज होते हैं यानी एक्सटिंग्विश के सेंस में भी आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप डाउज का मतलब कहते हैं एक्सटिंग्विश ठीक है एक्सटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं एक फायर या लाइट के लिए भी यूज होता है तो यहाँ पे रैगिंग रिटेल प्राइस ऑफ अनियन एंड टोमेटो देन एट रुपीज एट्टी ए के जी एंड रुपीज वन टेन अ के जी रिस्पेक्टिवली मतलब टोमेटो एक सौ दस रुपए किलो और एट्टी रुपीज पर के जी था आपका अनियन इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए ना तो ये भी रिसेंट का आर्टिकल से रिलेटेड है एक तरीके से जो रिसेंट में चल रहा है उसके बारे में बात कर इट इज नॉट द सीजनेबिलिटी हालांकि अगर अगर देखा अगर देखा जाए वेजिटेबल प्राइसेस की करेंट दीजनेबिलिटी सीजनेबिलिटी नहीं थी लेकिन जो उनके एक्सटेशन थे इन ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर हर अल्टरनेट ईयर पे बढ़ते रहते हैं जो दैट मेक्स दी गवर्नमेंट इन पार अनकंफर्टेबल सरकार को भी कही न कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर देती है जो रीजन है फॉर सच एस्कलेशन ये जो प्राइस हाई हो रहा है एस्केलेट हो रहे हैं बढ़ रहे हैं ये इंटरप्रेट करना

रीजन बताने के बाद पहले तो ये बताया कि प्राइस में हाईक हो रहा है सब कुछ चीजें बताई गई गवर्नमेंट कैसे इसमें फंसी हुई है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई उसके बाद अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब पहले कैसे कैसे चीजें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जब आगे बोला गया कि फर्स्ट इट हेल्प श्राउड इयर्स ऑफ इन एक्शन तो वॉट इज दिस श्राउड इयर्स ऑफ इन एक्शन अगर हम श्राउड इयर्स ऑफ इन एक्शन की बात करते हैं एक श्राउड तो वैसे देखें अः ऑब्सक्योर समथिंग और ये क्लॉथ के लिए भी यूज होता है, है ना तो यह ऑब्सक्योर के सेंस में भी यूज होता है ऑब्सक्योर इफ इन एक्शन मतलब जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया गया बिहाइंड अर्जेंट एक्शन दिस इंटर्न मेक्स दी इन ऑफ एक्सोलेटेड प्राइज स्पाइक्स अपियर एस समय फेनोमन रेजर देन स्ट्रक्चर मेलाइज मैल इज रिलेटेड टू रॉन्ग डूइंग तो मलाई से रिलेटेड है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे रिलेटेड यही बोला गया कि जब ये एक्शन लिया ही नहीं गया जिसमें एक्शन लेना चाहिए था तो आगे चीजें तो बढ़ते ही जाएंगी और दूसरी चीज क्या है ये जस्टिफाई कर रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन है एक होता है एक्सपेंशन एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये जो कमी इन द गवर्नमेंट प्रोमिस एंड एक्शन गवर्नमेंट दैट मेक्स ग्रांडियोर्स प्रोपोजल्स मतलब यहाँ पे ग्रैंड से ही रिलेटेड आप इसको कर सकते हो ग्रस को और ये मैंने आप लोगों को वोकैबलरी में भी पढ़ाया है अगर आप लोग वोकैब की क्लास में जुड़ते हो तो वो में भी पढ़ाया है ग्रैंडियोज इज रिलेटेड टू इंप्रेसिव प्रपोजल्स जो गवर्नमेंट इंप्रेसिव एक प्रपोजल्स बनाती है लाइक वन नेशन वो मार्केट एक राष्ट्र और एक बाजार एक मार्केट इम्पीड फार्मर्स एसेस टू रेमरेटिव मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट इन द केस ऑफ अनियंस इन प्रैक्टिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग क्विक कंट्रोल ऑफ प्राइसेस मतलब जो एक क्विक कंट्रोल होता है प्राइसेस का उसको कंट्रोल करने का तीसरी बात थी हेल्पलेसनेस की ये रेजोनेट करता है वेल विद द जनरल फीलिंग ऑफ द मिडिल क्लास मिडिलके जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये उनसे ज्यादा रिलेट है एक प्राइवेटल वोट बैंक ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑपरेटिंग अंडर बाइंडिंग बजट कॉन्स्टेंट्स जो बजट कॉन्फ्रेंस है उसको करता है बट मोस्ट डिस्कसिंगली अगर देखा जाए ये जो पैराडिग्म है इमोटिव पॉलिसीज का इज लेडन विद द रिस्क ऑफ रेलिगेटिंग दी सिग्निफिकेंस टू दी पेरी है ना तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं रेलीगेट कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं रेलीगेट कर रहे हैं यानी कि असाइन या इंफीरियर रैंक एक जो होती है ना कहा गया रेलीगेटिंग आपका ये जो एक इंफीरियर रैंक होती है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं ठीक है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तीन तरीकों से चीजों को बताया गया कि क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है और उनके जो प्रॉमिसेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है फिर तीसरी बात हेल्पलेसनेस जो मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं हार्म करती है एक तरीके से दिक्कत देती है फिर यहां पे आगे देखा जाए यहां से पढ़ लेते हैं फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लिया गया कि जैसे फंडामेंटल इश्यूज हैं जैसे कि वाई द गवर्मेंट्स प्राइसिस कंट्रोल पॉलिसीज फेल टू एनविजन फार्मर्स क्यों ये सरकार की जो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है फेल हो जाती है एनविजन फार्मर्स के लिए एज नेट बायर्स और कंज्यूमर्स ऑफ फूड और हाउ कंज्यूमर फ्रेंडली द प्रोजेक्टेड कंज्यूमर बायर्स इन सच पॉलिसीज पॉलिसी रियालिटी एक्सेट्रा दे आर म्यूटेड इन दी पब्लिक डिस्कोर्स क्यों म्यूट हो जाती है ठीक है वेयर एज अगर देखा जाए जो ग्राउंड लेवल के एविडेंसेज हैं बिग क्वेश्चन मार्क मतलब अगर ग्राउंड लेवल की स्थिति देखी जाए उसमें जो फैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बिग क्वेश्चन बन जाता है ऑन दी वेरासिटी ऑफ सच प्रोजेक्शन है ना किस चीज के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है वेरासिटी है ना अगर हम वेरासिटी की बात करें तो वेरासिटी मतलब एक कंफॉर्मिटी एक्यूरेसी क्यों नहीं है उन प्रोजेक्शन में है ना कहीं ना कहीं तो कोई कमी है वेरासिटी इज एक्यूरेसी फिर विद ऑलमोस्ट अगर देखा जाए सिक्सटी परसेंट टू सेवेंटी परसेंट

जैसे कि अगर देखा जाए एज पर जैसे पब्लिश किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा जब एवरेज होलसेल प्राइस ऑफ अनियन इन डेली डिक्लाइंड फ्रॉम रुपीज थर्टी टू अ केजी इन जनवरी टू टू रुपीज ट्वेंटी और इलेवन एंड एवं रूपीज नाइन अ के जी इन फेवरी मार्च एंड अप्रैल मतलब ये है ये फरवरी में था ये मार्च में था ये अप्रैल में था ठीक है रेस्पेक्टिवली अगर देखा जाए जो एवरेज रिटेल प्राइस है वो कहां तक आया रुपीज फोर्टी नाइन अगर पिछले कुछ की की बात की जाए, के बता रही हूं। ये पिछला मत समझ लेना। जो एवरेज होलसेल होलसेल प्राइस यहाँ पे बात हो रही है अनियन का डेली में था होवर्ड कितने बीच में लाए कर रहा था थर्टी और थर्टी टू के जी में और रिटेल प्राइसली शॉर्ट अपि फिफ्टी नाइन तो के जी मतलब पचास से उनसठ रुपए किलो प्याज हो गया था इंटरवेंशन बाई गवर्नमेंट इनमें से कोई भी नहीं गए However, जो एनॉमलीज है एक्सपेक्टेड से ज्यादा चीजें जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर्म प्रोड्यूस मार्केट जो होती है

क्या है नोशन की बात अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिकम हैंडी इन रिस्ट्रिक्टिंग अनियन ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अनियन ट्रेड वेन एवर द गवर्नमेंट फॉर सो राइजिंग डोमेस्टिकोमेस्टिको लैक ऑफ स्टेबल ट्रेड पॉलिसी ये जो कमी है जो स्थिर ट्रेड पॉलिसीज नहीं है दे कैन बी डिस एग्रीकल्चरल सेक्टर कृषि सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये डिस इंसेंटिव है लेट अलोन कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स इन आइसोलेशन मतलब अलग अलग सारी चीजें होंगी सो बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय इंस्टिट्यूटिंग एन एमईपी जो 850 डॉलर और टन दैट इज वे अब पैरिटी प्राइस के है जो 300 डॉलर पर टन है विल बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फार्मर्स इन एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट से रहित हैं डिप्राइव ऑफ मतलब किसी चीज से रहित होना राइट वाइल इंटरमीडिएट ट्रेडिंग मतलब जो इनरेगुलर ट्रेडिंग है

तो यहां पे क्या चीज है जो गवर्नमेंट को डिसकंसर्टेड कर रही है वट इज डिसकंसर्टेशन की बात हुई थी यानी कि जो कंफ्यूजन है जो कंफ्यूज कर रही है गवर्नमेंट को है ना इन पावर डिसकंसर्टेड तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा अगर आप बोलेंगे तो थर्टी सिक्स के बाद थर्टी सेवन बताइए अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में ही एक चीज लिखी हुई थी

नॉट ट्रू इन दी अकॉर्डिंग टू दैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज तो जब आप थर्ड पैराग्राफ में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है मेनी इंटरवेंशन अप्रूव्ड बाई दी गवर्नमेंट फोकस ऑन दी एबनॉर्मिलिटीज रिलेटिंग टू फार्मिंग क्या इसके बारे में बोला गया है बिल्कुल गलत यहां पर एबनॉर्मिलिटीज को लेकर के कोई बात बोली नहीं गई तो एक तो ये नॉट तो ट्रू हो गया दूसरा इट इज इम्प्रॉबेबल फॉर फार्मर्स टू कंट्रोल ओवर फूड प्राइस इमेबल है वो प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं कर रहा है उनके हाथ में ही नहीं है तो एक ये हो गया द राइजिंग प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल आर इन द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेटीज तो ये अकॉर्डिंगली अगर पैसेज के देखा जाए तो दिस इज ट्रू तो हम देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड जो है वो नॉट ट्रू है तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर फोर बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इनमें से कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑफिशियल वीकनेस से रिलेटेड है एज मैं इट हेल्प टू कवर इन बिहाइंडलोक्स इमोशन ऑफ द अपर एज वेल एज दिडिल क्लास एक इमोशन yeah, well को इवोक करता है कि नहीं करता है येस ऑन नो एक तो ये इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं सिर्फ मिडिल क्लास की यहां पे बात हुई थी बल्कि इनएक्शन था और रेफ्यूटेशन था बिटवीन ऑफिशियल प्रेस यानी कि जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही थी और एक्शन क्या हो रहा था अर्जेंट एक्शन में एक्शन नहीं ले रही थी उससे रिलेटेड बात कही वीकनेस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और कॉन्टेक्स दैसेज अभी तक नॉट ट्रू ढूंढना था अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है बताइए

ऑप्शन नंबर वन क्लियर अब हम बढ़ चले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं इन क्वेश्चंस पे आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ए बी और सी डी दो सेंटेंसेस को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया एनी टू ऑफ दीज पार्ट ग्रामेटिकल एर किन्हीं दो पार्ट में इसमें से एरर है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ए और बी है तो इसमें एक पार्ट में और सेकेंड क्वेश्चन में अगर सी और डी है तो उसमें से किसी एक पार्ट में एरर है आपको वही रॉन्ग पार्ट ढूंढने हैं और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो आप मार्क कर देंगे नो no एर इतना तो सबको पता है चलो भाई राइट टू कम्युनिकेट हैज बीन स्टेटिंग एज वन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट इन इंडिया मतलब एक जो अधिकार होता है कम्युनिकेट करने का तो हैज बीन स्टेटिंग एक बात बताओ भैया हैज बीन स्टेटिंग होगा या क्या होगा राइट टू कम्युनिकेट की बात कर रहे हैं एक जो अधिकार है कम्युनिकेट का करने का तो यहां पे ये पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस तो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म फॉर्म में है तो की थर्ड आएगी नेक्स्ट इट इज नॉट टू प्रूव दैट योर पॉइंट इज करेक्ट एंड अदर पर्सन आर रॉन्ग अदर पर्सन नहीं है अदर पर्सन है यानी कि ये क्या है सिंगुलर है तो अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी सिंगुलर होनी चाहिए थी कि नहीं तो यहाँ पे इज आ जाएगा तो यानी हमें एरर कहा मिली ए और डी में इस तरीके से आपको ढूंढना है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए एंड डी यानी ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट इट इज एसेंशियल मतलब ये जरूरी है टू कीप योर बॉडी लैंग्वेज वार्म एंड फ्रेंडली रादर देन एरोगेंट मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा वॉर्म और फ्रेंडली रखो एरोगेंसी के बजाय राइट right? फेयर इज अ लार्ज गै मेला होता है ना फेयर चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं है मेला फॉर वेरियस एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटी होता है, तो, ये भी correct है। अगर तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिखी तो आपको भी नहीं दिखी होगी तो ऑब्वियसली वी विल माक आर आंसर एज नो एर मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है नेक्स्ट बींग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड क्योंकि आप क्या है दूसरे डिफरेंट uh, अब एक चीज देखो यहां पे क्या लिखा है डिफरेंट डिफरेंट मतलब वेरियस हो गया अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड भी यहां पे क्या होना चाहिए था प्लूरल नाउन की नीड है तो यहां पे बैकग्राउंड लग जाता द टू फैमिलीज टू गेट अलॉन्ग आगे लिखा भी है कि टू फैमिलीज और डिफरेंट मतलब जो अलग अलग वेरियस में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वी नीड अ प्लूरल नाउन वैया नेक्स्ट आई हैव बीन रीडिंग हिज बुक्स सिंस आवर चाइल्डहुड एंड हैव ऑलवेज लव्ड देम एक बात बताओ आई हैव रीडिंग हिस्स बुक्स सिंस आई चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड आई सिंगुलर ठीक है और आर प्लूरल के लिए यूज होता है तो सिंगुलर अगर है तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका क्या कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा माई आई हैव बीन रीडिंग हिज बुक सिंस माई चाइल्ड हुड एंड आईव हैलवेज लव्ड देम तो किसमें एरर मिली डी में और ए में अगेन तो मार्क कर देंगे ए एंड डी में जिसमें एरर है क्लियर नेक्स्ट पीपल प्रिफर पीपल लोग क्या प्रेफर करते हैं रिसीविंग देयर पेमेंट थ्रू मनी ऑर्डर देयर इज एन एडवर्ब सभी को पता है और अपनी पेमेंट रिसीव करना यानी एक पजेशन की नीड है तो पॉजिटिव प्रोनाउन यहां पे क्या होगा देयर होगा कि नहीं कि पीपल क्या प्रेफर करते हैं अपनी पेमेंट्स को रिसीव करना मनी ऑर्डर के थ्रू अपनी पेमेंट्स पोजेशन अपना दिखा रहे हैं अधिकार यूनिफॉर्म एक पोस्टमैन जो है वेयरिंग अ खाकी यूनिफॉर्म एंड होल्ड अ बैग फुल ऑफ लेटर्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड के बाद अगर देखोगे ये वर्ब किस में है सिंगुलर में है अगर रूल ऑफ पैरेललिज्म देखोगे तो रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या कहता है ये भी आपका स ही होना चाहिए था यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है जिसमें ऐसी आई एस वाली वर्ब आती है ये तो पता ही है तो जनरल कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें ये कि जनरल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब पोस्टमैन क्या पहनता है एक खाकी यूनिफॉर्म पहनता है एक फुल ऑफ लेटर बैग लेता है जिसमें लेटर्स होते हैं ऑन इज शोल्डर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था अ पोस्टमैन व्ययर्स अ खाकी यूनिफॉर्म तो एरर किस में मिली ए और सी में तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ए एंड सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पीपल बोर्न इन डिफरेंट एजेस आर डिफरेंट अलग अलग एजेस में जो डिफरेंट मतलब जनरेशन गैप की एक बात कर रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं विद ईच अदर इन वेरियस एक्सपेक्ट एक बात बताओ लोगों की बात कर रहे हैं ठीक है एजेस विद ईच अदर इन वेरियस एक्सपेक्ट की बात आस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो सही है कि बॉर्न इन डिफरेंट एजेस आर डिफरेंट तो so, डिफरेंट के साथ जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो विद होता है या फ्रॉम होता है कि दिस दिस ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम वन तो जो करेक्ट प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो विद नहीं होती है वो होती है फ्रॉम फिर द जनरेशन गैप इज द टर्म एक जो जनरेशन गैप क्या है एक टर्म है गिवन टू द डिफरेंस अमंग टू जनरेशन टू की बात करी है हम यूज करते हैं फॉर बिटवीन बिटवीन हम किसके लिए यूज करते हैं दो लोगों के लिए और अमंग हम यूज करते हैं फॉर मोर देन टू इतना तो सभी को पता है दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं तो ये अमंग तो रॉन्ग हो जाएगा वी नीड बिटवीन तो डी में एरर आ गई तो एरर कहां कहां हुई बी और डी में तो आंसर भी हमारा हो जाएगा बी एंड डी क्लियर एवरीबॉडी समझ में आया अब हम बर चुले बर चक, च, 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 अब हम बढ़ चुके हैं अपने आखिरी पढ़ाओ पे 46 to 50 में, ये है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट हर एक ब्लैंक के अगेंस्ट आपको दिया है एक वर्ड जो कि हाईलाइटेड है अब वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आपको देखना है अगर वो करेक्ट है तो नो no इंप्रूवमेंट लेकिन अगर वो इनकरेक्ट है उसके अगेंस्ट आपको दिए ऑप्शंस आपको वो ऑप्शंस करेक्टली उसमें फिल करने हैं ठीक है और पैसेज है आपके सामने फटाफट से इस पैसेज को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे क्या होगा एवरीबडी आरबीआई करेंटली हैज सोल मैंडेट टू टारगेट इन्फ्लेशन इन इंडिया आरबीआई का एक सबसे ज्यादा मैंडेटरी एकलोता काम क्या है इन्फ्लेशन को टारगेट करना भारत में इनफैक्ट इट इज आंसरेबल टू देंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसके लिए आंसरेबल है इनकेस देर इज अ फेलियर टू ट्विच इनफ्लेशन विद इन द बाउंड ऑफ मतलब एक जो फेलियर है कि एक इन्फ्लेशन को कितने के बीच में रखना है विद इन दी बाउंड ऑफ टू परसेंट टू सिक्स परसेंट तो ट्विस्ट तो यहां पे हमें लगता है इनकरेक्ट है तीन कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक टू रिकैपिटलेट अ फॉल यानी कि एक डिक्लाइन जो होगा राइज इनक्री इंटरेस्ट रेस एक डिक्लाइन फॉल मतलब गिरावट और इसके साथ में राइज लिखा हुआ है रिड्यूसेस यानी कि इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विच इन टर्न इनकरेजेस और डिस्करेजेस भी हो सकता है इन्फ्लेटरी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी टू बी श्योर इंटरवेंशन आर डन नीदर बाय दी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक अब देखो ये तो यहीं से गलत पता चल गया नीदर लगाए यहां पर एंड लगाए नीदर कभी भी एंड को फॉलो नहीं करता और का फॉलो करता है तो यहां पर सीधा सीधा अगर हम देखेंगे आर डन बोथ बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ठीक ये तो हमें पहले ही पता चल गया था फॉर्म डाय टू विकिंग टैक्स रेट्स और इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बदल लेटर पहला वाला क्या करता है टैक्स रेट्स को ट्विक करता है इंक्रीजिंग करता है लेकिन बादशनॉमील बल्किज मनी सप्लाई फॉल्स आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो इरोड करता है इरोड मतलब इरोजन करता है क्या मतलब कि किया अपने मेथड को चेंज किया यूज बाय टू लेंड फ्रॉम बेस रेट्स जो बैंक के द्वारा यूज किया जाता है बेस से मार्जिनल कॉस्ट की तरफ ठीक है ऑफ फंड्स दैट एमसीएलआर जिसको बोलते टू पास थ्रू परफेक्शन से काफी दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं गिवेन इट्स मैंडेट हालांकि ये दिया गया उसमें कि इन्फ्लेशन uh, को क्या करना है कंट्रोल करना है सो द आरबीआई एंकर्स इट्स पॉलिसी ऑन कंज्यूमर प्राइस एंड इज दैट इज सीपीआई तो अगर देखा जाए एनी वेयर अनलाइक द यूएस अब एक चीज ये भी देख लो एनी हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है और यहाँ पे नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं आ रहा एनी वेयर की बजाय यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था तो चलिए वो ऑप्शन में देखेंगे यूएस और अदर कंजम्शन ड्रिवेन इकोनॉमीज हम साथ ही साथ देखो कभी कभी हमें क्या होता है हमें पढ़ते पढ़ते वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें ऑप्शन पहले नहीं देखने चाहिए हमें हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है उसके रिलेट करके हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफी आसान हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्रेडिट इन इंडिया इज फॉर प्रोडक्शन पर्पज जितना ज्यादा क्रेडिट होता है भारत में वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए होता है विच अगेन रिड्यूसेज दी क्रेवन ऑफ आरबीआई क्रेवन ऑफ आरबीआई ये भी कुछ यहाँ पे मिसप्लेस लग रहा है सो इन दी एक्सट्रीम केस अगर देखा जाए इट मे सो हैपन दैट इवन इफ बैंक पास ओवर दर चेंज इन पॉलिसी रेट अगर पूरा का पूरा पॉलिसी uh, रेट क्या करे पास कर दे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीपीआई नंबर पे वो हो सकता है जीरो समझ में आया तो अगर हम पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे ना काफी अच्छे से चीजें हम कर सकते हैं फर्स्ट हमारे सामने आ गया फेलियो टू ट्विच इन्फ्लेशन मैंने पहले ही बोला ट्विच या फ्लटर की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से ट्विच और फ्लटर दोनों ही का मतलब होता है क्या शिवर इन दोनों का ही मतलब होता है शिवर और हाइड और टुक तो होगा नहीं तो ऑब्वियसली uh, जो विद इन द अपाउंट ऑफ सिक्सेंट टू परसेंट और सिक्स परसेंट के बीच में रखने की बात हो रही है तो टू कीप यहां पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा टू बी बी फिल्ड ओवर ब्लैंक में देखो टू बी श्योर इंटरवेंशन आर डन नीदर बाय गवर्नमेंट ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यहां पे नीदर नहीं होगा क्योंकि एंड लगा है तो इट विल बी फॉलोड बाय बोथ तो बोथ बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इजी हो गया वहीं पर बता दिया था आंसर फोर्टी बेस <coughs> रेट से लेकर के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है फंड्स बेस लेंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर जो है टू तो विस्क दी पास थ्रू तो यहाँ पे विस्क मतलब क्या होता है किसी चीज को बीट करना जैसे आप लोग कॉफी बीट करते हो ना कॉफी विस्क करते हो उसके लिए तो जबकि यहां पे पास थ्रू होने के लिए इट शुड बी सूदेन क्योंकि अगर जॉमिन की बात करें तो ये होता है रेलेवेंट और कॉन्ट्राइट अगर हम बात करें कॉन्ट्राइट इज रिग्रेटफुल कोई चीज जो रिग्रेटफुल है उसके लिए हम बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्मूदन करना है चीजों को ना कि बीट करना है वो उसका अपोजिट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर मैंने कहा ना एनी किससे रिलेटेड होता है एनी वेयर अनलाइक यूएस तो एनी वेयर मतलब गलत हो गया यहाँ पे एक कंट्रास्ट में बात कर रहे हैं अनलाइक भी आगे यूज किया है जब कंट्रास्ट की बात करते हैं ना विच शोज कंट्रास्ट तो वो सिव है आपका हाउ एवर क्योंकि सीम्ड का मतलब होता है कोई चीज प्रिटेंड होना ठीक मोर का मतलब कंपैरिजन में एनी मोर भी यहां पे नहीं आएगा ठीक है तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा हाउ एवर क्योंकि या इन भी बात करते हो जो, e जो अपनी इच्छा से कोई चीजें बनाई गई हो जब आपने अपनी इच्छा चॉइस करी हो दैट इज मेड बाय योर विल तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूशन क्योंकि का अगर हम देखें तो एकदम अलग मतलब है और इमेनेट का मतलब होता है कोई चीज एमर्ज करना या गिव आउट ऑफ अ फीलिंग और डाउर का मतलब होता है किसी चीज में स्टर्न करना ठीक है और अगर हम बोले क्रेविन क्रेविन मतलब होता है काइंड ऑफ कोवर्ड नेचर है ना कोवर्ड कायरता जो होती है वो उससे रिलेटेड है तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर टू विल बी फिटेड हेयर करेक्टली सो so, इसी तरीके से हमारे साथ एस डिस्कशन में जुड़े रहिए और हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीके से हर हफ्ते आपके साथ एस डिस्कशन में टेल देन थैंक यू नेवर ग्रेट जयर सब्सक्राइब ने अपडेट